अब मन जीता कैसे होगा? परमात्मा की शरण में आवे। और गुरु जी बताते हैं परमेश्वर का विधान के बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जर्दा कभी छूना भी नहीं है, यदि तूने कुछ सुख चाहिए जीवन में। ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। बकवाद करेगा क्योंकि इसने तो आपको पशु बनाने का कंट्रैक्ट ले रखा, ठेका ले रखा। इस मन को इन बुराइयों से हटावे और परमात्मा के चरणों में लगावे। मन चाहता है कार खरीदूं, कोठी खरीदूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब मन के खरीद सोचने से और कहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा में समर्पण कर दे भगवान में कि हे प्रभु, जैसे भी आपने इस दास का हित लगे उतना ही देना, अधिक नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे आज दिन में उदाहरण आपको सुनाया था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कल दो सत्संग में सुनाया था आपको, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूखा जावे। यानी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता पूरी हो, कोई अतिथि आ जाए वो भी दो रोटी खा के जावे, आराम भी भूखे ना सोवा, परमात्मा बस इतना दे रहा। अब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया था, भाई देखो मैं खुद कितना निर्धन बन के एक जीवन व्यतीत किया। हमें उदाहरण देने के लिए, एक झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो भी उसकी कमाई होती थी उसी से पैसा लेकर कुछ अपना घर गृहस्थी का अन्न लाते थे, क्योंकि दो माता पिता थे मुंह बोले और दो बालक थे जो मुर्दे जीवित कर रखे थे, लड़का और लड़की बेटी रूप में रखे हुए थे, बेटा बेटी रूप में रखे थे। परमात्मा कबीर जी का किसी से जन्म नहीं हुआ, ना उनकी कोई संतान थी, ना उनकी कोई पत्नी थी। ये झूठे लोगों ने परमात्मा को जो है ना दूसरे ढंग से पेश कर दिया, बिल्कुल गलत ज्ञान प्रचार कर रखा था। तो वो क्या करते थे, जो भी धन आता था, कमाई होती थी, अपने परिवार का कुछ खर्चे खातर लेते, बाकी शेष का धर्म में लगा दिया करते थे। अब आप जी को ये उदाहरण देते हैं कि जोड़ जोड़ कर मत धरो, परमात्मा में विश्वास रखो, जितना हो धर्म में लाओ, और फिर देखना। अब उस परमात्मा ने ये दिखाया कि मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए थे। अतिथि का अर्थ होता जिनके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जा। अब वो उन दुष्ट लोगों ने चिट्ठियां डाल दी परमात्मा को लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, लाखों लोग 18 लाख व्यक्ति आ गए कबीर जी के अतिथि बन गए। परमात्मा कहते हैं मेरे अतिथि भूखे नहीं गए, 3 दिन रटे, 3 दिन रुके और 3 दिन भरे भंडारे चले, जो भी खान योग्य चीज थी जिसने डिमांड की, लड्डू की इच्छा थी लड्डू आ रहे हैं, जलेबियों की इच्छा करता जलेबी आ रही है, कचौड़ी पकौड़ी खीर खांड हलवा है, और 18 लाख अतिथियों को 3 दिन तक भरा भंडारा दिया। और फिर प्रत्येक खाने के उपरांत एक दोहर और एक असरफी, जैसा भी चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिखा था वो भी दिया। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो तुम मेरे ऊपर आश्रित कहो के, फिर देखना आन दे। कहते कल्पे कारण कौन है और कल कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़ा धनी ते काम। जब धनी का काम था वहां पर ना पूरी काशी का के दाने इकट्ठे कर ले गेहूं तो 18 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते, और वहां परमात्मा ने डूंडा ठा दिया। अब मन जीती का अर्थ है कि गुरुजी के वचन पर डट जा। गुरुजी कहते हैं ये बुराई मत करो, तुरंत त्याग दो, ये भक्ति करो, हाथ से जितना पुण्य हो सके अवश्य करो। परमेश्वर जी कहते हैं चढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना गट्यो नीर, और दान दिए दन घटे नहीं, नो कह रहे साहिब कबीर। पुण्यात्माओं
प्रसंग था कि तन धर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें, मैंने सबका किया विवेक, जो चक्रवर्ती राजा उदय अस्त, जिसके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता, उदय जहां होता है और अस्त जहां होता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासन जिसके पास है, वो इंसान भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो भक्त नहीं है। जो सच्चा भक्त नहीं है, सत भक्ति नहीं कर रहा है, पूरे संत की शरण में नहीं है, तो फिर कहां सुख है। तो परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे।